नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका प्रमाणिक और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपके लिए लाए हैं देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र से जुड़ी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। पीथमपुर ने बढ़ाया स्वराज 8200 स्मार्ट हार्वेस्टर का उत्पादन। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने नवंबर 2023 में 16.3% की दर्ज की साझेदारी। महिंद्रा ने भारत में करोड़पति किसानों का किया सम्मान, कृषि में उनके योगदान का मनाया जश्न। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वेंचर ऑटो नेक्स्ट ऑटोमेशन ने कृषि थॉन 2023 में नवाचारों का किया अनावरण। MFOI अवार्ड्स 2023 में नितिन गडकरी ने MFOI VVIF किसान भारत यात्रा को दिखाई हरी झंडी। अब रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपने नए स्वराज 8200 स्मार्ट हार्वेस्टर का अनावरण किया। कंपनी मध्य प्रदेश के पीथमपुर में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग सुविधा में स्वराज 8200 स्मार्ट हार्वेस्टर का निर्माण तेजी से ला रही है। अपने पहले घरेलू हार्वेस्टर की सफलता के आधार पर 8200 स्मार्ट हार्वेस्टर में और भी बेहतर दक्षता और नई तकनीकी विशेषताएँ शामिल है, जो कृषि प्रौद्योगिकी को अगले स्तर पर ले जाती है। स्वराज 8200 स्मार्ट हार्वेस्टर एक सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन द्वारा संचालित है, जो सटीक ईंधन दक्षता सुनिश्चित करता है। स्वराज ट्रैक्टर्स का लक्ष्य भारतीय किसानों को अत्याधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना है और कृषि मशीनरी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने नवंबर 2023 में 16.3% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। तकनीकी रूप से उन्नत ट्रैक्टरों के लिए प्रसिद्ध सोनालिका लगातार सालाना 1,00,000 ट्रैक्टर की बिक्री को पार करते हुए बाजार में स्थित सफलता का प्रतीक बन गए हैं। ट्रैक्टर निर्माता ने बिक्री के मजबूत आंकड़ों की सूचना दी। महीने के दौरान 12,891 ट्रैक्टर बेचे गए, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 23% की असाधारण वृद्धि दर को दर्शाता है, जहां 10,464 ट्रैक्टर देखे गए। रमन मित्तल, जो इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में अपना उत्साह साझा किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग की 2% की वृद्धि को पार करना केवल उनके लिए एक जीत ही नहीं है, बल्कि ट्रैक्टर उद्योग में बेहतर प्रदर्शन करने की उनकी निरंतर क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन भी करती है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने देश भर के सफल किसानों के योगदान को मान्यता देने के लिए मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स को समर्थन दिया। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने किसान भारत यात्रा की शुरुआत की, जो 26,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला एक विशेष रोड शो है। इसमें 4,000 से अधिक टच पॉइंट है, जो पूरे वर्ष में 1,00,000 से अधिक करोड़पति किसानों से जुड़ेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के महिंद्रा फार्म डिविजन के CEO विक्रम वाघ ने बताया कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए कृषि क्षेत्र में प्रगति का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय किसान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सही तकनीक और प्रथाओं के साथ खेती न केवल उत्कृष्ट है, बल्कि फायदेमंद भी है। भारत के अग्रणी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर वेंचर ऑटो नेक्स्ट ऑटोमेशन ने देश की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी कृषिथॉन 2023 में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कंपनी ने गर्व से 45 HP ट्रैक्टर में एक नया लोडर एप्लीकेशन प्रस्तुत किया और 20 HP इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। ऑटो नेक्स्ट ऑटोमेशन के फाउंडर और CEO कौस्तुभ धौंदे ने कृषिथॉन 2023 में कंपनी की भागीदारी के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों, किसानों और व्यापार मालिकों सहित विविध दर्शकों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की विशेषताओं और लाभों को समझाने में उनके प्रयासों के लिए पूरी ऑटोनेक्स टीम की सराहना की। इस प्रगति का उद्देश्य विभिन्न कृषि कार्यों में ट्रैक्टर की प्रतिभा और उपयोगिता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 दिसंबर को भारत के करोड़पति किसान पुरस्कारों में शामिल होने के बाद भारत किसान यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने किसानों को अपनी फसल के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रति एकड़ खर्च पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। MFOI किसान भारत यात्रा 2023-24 गाँव की अवधारणा को बढ़ावा देकर ग्रामीण भारत में क्रांति लाने के लिए तैयार है। दिसंबर 2023 से शुरू होकर नवम्बर 2024 तक चलने वाली इस यात्रा की योजना 25 राज्यों से होकर 4,520 स्थानों को कवर करना है। 1,000 दिनों के इस अभियान का लक्ष्य 1 करोड़ से अधिक किसानों से भी जुड़ना है। विशेष रूप से 1,00,000 करोड़पति किसानों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे कृषि विशेषज्ञता का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ट्रैक्टर न्यूज के साथ।